हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रिया DIY चैनल पर। दोस्तों, बाल अगर लंबे, खूबसूरत और चमकदार हो तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है वो दुगना हो जाता है। ठीक उसी तरह बालों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम न जाने कौन कौन से प्रोडक्ट्स, हेयर कलर्स और हेयर डाइज का इस्तेमाल इन बेचारे बालों पर करते रहते हैं, जो कि आगे जाके उन्हें बस डैमेज ही करता है। तो क्यों ना घर बैठे बड़ी ही आसानी से इन्हें कलर किया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस नेचुरल रेमेडी से अपने काले बालों में ही नहीं, बल्कि अगर आपके कुछ कुछ बाल सफ़ेद भी हो गए हैं तो उस पर भी 100% परमानेंट हेयर कलर पा सकते हैं, वो भी घर बैठे चंद मिनटों में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों बीट रूट। एक मीडियम साइज का बीट रूट आपको पील करके कट कर लेना है। ये हमारे बालों को सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि मजबूती और शाइन देने में भी काफ़ी हेल्प करता है। बीट रूट जो होता है दोस्तों, उसमें अपने आप में ही नेचुरली बहुत ज़्यादा कलर पाया जाता है। ये सिर्फ बालों को बर्गंडी कलर ही नहीं देता है बल्कि बहुत ही ज़्यादा बालों में शाइन लाता है। बालों को मजबूत बनाकर ये बालों के टूटने को भी रोकता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक मीडियम साइज कैरेट को भी ले लेना है और इसे हमें पील कर लेना है। पील करने के बाद दोस्तों इसे हम ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि इसका जो जूस है वो बहुत ही अच्छे से हमारे इस मास्क में आ सके। कैरेट जूस जो होता है ना दोस्तों, वो बालों को डीपर टोन यानी कि डार्क कलर जो होता है वो देने में हेल्प करता है। तो इस मास्क से हमें बहुत ही ज़्यादा कुछ इस तरह का प्यारा सा कलर हमारे बालों पे देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ले लेना है एक बर्तन और इसमें ऐड कर देना है करीब एक बड़ा ग्लास भर के फिल्टर्ड पानी यानी कि पीने का पानी। इसी के साथ इसमें ग्रेटेड कैरेट्स को भी आपको ऐड कर देना है। अब इसमें ये जो बीट रूट हमने कट किया है डाल देंगे। अब गैस की आंच को हम मीडियम फ्लेम पर रख के इसे करीब 10 से 12 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे, जिससे कि इन दोनों भी चीज़ों का यानी कि जो स्टेन है वो हमारे इस पानी में आ सके, साथ ही इनकी गुडनेस भी इस पानी में बढ़िया तरीके से इन्फ्यूज़ हो सके। यहाँ पर 8 से 10 मिनट इसे बॉईल होते हुए हो गई है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर जो है इस पानी का हो गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस पानी को थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेना है और इसके बाद इसे हम छान लेंगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों एक बोल। इसके साथ आपको यहाँ पर इसमें ऐड करनी है 2 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर। कोई भी कॉफ़ी का पाउडर आप यहाँ पर ले सकते हैं। कॉफ़ी जो होती है दोस्तों, ये काले या सफ़ेद बालों पे डीप रेड यानी कि बर्गंडी कलर देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो कभी भी आप नेचुरल कलर बालों के लिए अगर घर पे बनाते हैं तो इसमें आप कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर से करें। अब इस टाइम पे अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर फ्लेकी स्कैल्प है यानी कि पपड़ियाँ निकलती हैं आपके स्कैल्प से, तो इसमें आप 1 चम्मच भर के नीम का जो पाउडर आता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आजकल तो मेडिकल स्टोर में भी या फिर आयुर्वेदिक की शॉप पे मिल जाता है, वहाँ से आप इसे बाय कर लें और इसका 1 चम्मच भर के आप इसमें डाल लें। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपली आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आप इसे ज़रूर से इसमें डालें दोस्तों, क्योंकि हेयर पैक लगाते टाइम हमारे जो बाल है वो गिरते हैं, तो इसे ऐड करने से बालों का जो झड़ना है वो भी रुक जाएगा। नेक्स्ट हमें इसमें 70 से 80 ग्राम या फिर आपके बालों की लेंथ के हिसाब से आप डिसाइड करें कि कितना हैना पाउडर यानी कि मेहंदी का जो पाउडर है वो आपको इसमें ऐड कर देना है। मेक श्योर करें दोस्तों कि फ्रेश और अच्छी क्वालिटी का हैना पाउडर ही आप हमेशा पैक बनाते टाइम यूज़ करें, तभी जो है ना बालों पे बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देना है और फिर हमने ये जो बीट रूट एंड कैरेट्स का ब्यूटीफुल कंकॉक्शन यानी कि पानी बनाया था वो हमें इसमें धीरे धीरे डाल करके मिक्स करते जाना है। दोस्तों हैना पैक आप घर पे कई बार बनाते भी होंगे और लगाते भी होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये जो मेथड है ना इस पैक को बनाने की वो वन ऑफ द बेस्ट है बालों में इस तरह का ब्यूटीफुल नेचुरल एंड डार्क बर्गंडी कलर लाने के लिए। एक बार ज़रूर से इस पैक को आप इस तरह से बना के यूज़ करें। अब इसमें हमें एक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करना है, जो कि इस पैक के कलर को बूस्ट करेगा यानी कि बालों में गहरा कलर लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, जो कि आराम से 3 से 4 महीनों तक बालों में लगा रहेगा। ये है यूकेलिप्टस ऑयल यानी कि नीलगिरी का तेल।
किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसे बाय कर सकते हैं, बस 50 रुपये से भी कम दाम में ये आपको मिल जाएगा। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हमें इस पैक में डाल करके बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इस पैक को हमें लगाने से पहले ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 घंटे सोख होने देना है, उसके बाद ही इसे यूज़ करना है। ज़्यादा है ना पैक सोख करने से गहरा रंग आता है, ऐसा नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 6 से 8 घंटे सोख होने के लिए रख दें। 6 घंटों के बाद आप देखेंगे कि ये जो पैक है वो बन के रेडी हो गया है। आपको बहुत ही अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेना है और फिर स्कैल्प से लेके बालों के एंड्स तक इसे लगाना है। लगाने के बाद आप बढ़िया तरीके से पॉलीथीन से बालों को कवर कर ले और 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे, और फिर सिर्फ पानी से बालों को वॉश करके फिर से बालों में ऑयलिंग कर ले। अगले 24 घंटों तक बालों में इसका जो कलर है दोस्तों वो चढ़ता रहेगा, इसलिए 24 घंटों के बाद आप ऑयल किए हुए बालों को शैम्पू एंड कंडीशनर करके वॉश करें। आपके बालों का वॉश के बाद जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आएगा, साथ ही आपके बाल सॉफ्ट होंगे, शाइनी होंगे, और आराम से 3 महीने तक आपको ये कलर दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप चाहे तो 2 महीनों के बाद दोबारा से इस पैक को अपने बालों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था घर पे नेचुरली बालों को कलर करने का अमेजिंग तरीका। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।